जबलपुर में महाकौशल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आरोग्य मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला महाकौशल विज्ञान परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और जिला प्रशासन ने संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। मेले में इसरो, DRDO, ICMR और ECAR सहित 100 से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने इस मेले का जायजा लिया है। मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और आम नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित कई तकनीकों और शोध कार्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में प्रथम महाकौशल विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश के बड़े बड़े संस्थान अपने स्टॉल लगाए हैं ताकि जनता को और बच्चों को मालूम हो सके कि देश में तकनीकी और विज्ञान ने कितनी उन्नति की है। हमारे साथ ये जो पीछे स्टॉल है, ये ब्रह्मोस का स्टॉल है, इसके बगल में DRDO है और फिर इसरो है। इस तरह से भारत के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जो विज्ञान के संस्थान हैं, उन सब के स्टॉल इस विज्ञान मेले में लगाए गए हैं। ये जो ब्रह्मोस का स्टॉल है, इस पे जो मिसाइल लगाई गई हैं, सुखोई विमान है, इसके साथ लॉन्चिंग के लिए ये सुखोई का एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया गया है। इसके साथ ये जो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए जो व्हीकल होता है, उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जो ब्रह्मोस के द्वारा बनाया जाता है, और जो शिप है वो भी बनाई गई है। तो इस स्टॉल में मैं आपसे मिलवाता हूँ। सर, ये बताइए कि क्या क्या आपने यहाँ प्रदर्शित किया? सर, यहाँ पर जो है, हमने जो है मॉडल्स जो है वो किया है, जो नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स से that we have displayed it here along with the posters. This is the one that this is the aircraft this thing which what you are seeing is that one is the aircraft air version missile on that one. जहाज जो है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है, इसमें इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल, जिसमें जो है 8 मिसाइल्स जो है रखा जा सकता है इसका जो है। इस ये जो शिप है, जो इंडियन नेवल का शिप है, इसमें 8 मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये लगाई जा सकती हैं। सर, तो ये जो 8 मिसाइल हैं, ये कितना दुश्मनों का एरिया तबाह कर सकते हैं? ये 300 किलोमीटर रेंज का जो है, जो जितने भी जो डिस्टेंस है उसको वो कर सकता है। और इसमें एक खास बात है, जो ये 8 मिसाइल जो है, 8 अलग अलग टारगेट को जो है वो कैटर कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकता है उसका जो। अभी जो है हमारे इसमें जो है एक नया शिप जो आया है, तो बड़े शिप्स हैं जिसमें जो है इस टाइप का 2 लॉन्चर्स हमने लगवाए हैं, यानी कि 16 मिसाइल का जो है वो उसमें वो करता है। तो ये जो शिप है, ये आपके लिए समझाने के लिए रखी गई है। इस शिप में 8 मिसाइल एक साथ छोड़ी जा सकती हैं। सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन की दूरी तय कर सकती हैं। और अभी जो नया वर्जन आ गया है, वो ब्रह्मोस ने जो नए शिप बनाए, शिप में इंस्टॉल किया है, तो उसमें 16 मिसाइल एक साथ लगाई जा सकती हैं और ये अलग अलग दिशाओं में छोड़ी जा सकती हैं। और सर, ये जो आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है, सबसे बेहतर कौन सा आपका उपकरण है? हमारा अभी जो है, जो ब्रह्मोस जो है, वही जो है अभी उसका इक्विवेलेंट अभी तक तो कुछ है नहीं है। जो ये जो है, ये जॉइंट वेंचर है भारत और रूस के बीच में से जो है ये बनाया गया है, उसका जो है, जिसका जो है हमारा जो है, जो इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट जो है डॉक्टर कलाम ने साइन किया था उसके लिए जो है। तो आज जो है उनका जो आज इतने जो है क्या नाम, तीनों सेना में जो है शामिल हो गया है और अधिकतर नंबर में जो है। DRDO के अंतर्गत बहुत सारी लैब्स होती हैं और ये जो लैब का मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बायोलॉजिकल और जो केमिकल वॉर हो सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं, उसके लिए ये लैब काम करती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या विशेष है और ये क्या करती है? सर, आपका
सर, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, डीआरडी ग्वालियर में साइंटिस्ट हूँ। ये जो मेला है, विज्ञान मेला है, महाकौशल विज्ञान मेला है, इसमें डीआरडीओ ने अबकी बार जो थीम भेजी है वो है एक्सक्लूसिवली केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, डीआरडीओ ने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो जो हम लेके आए हैं हम यहाँ पे बताएंगे। एक्चुअली एनबीसी डिफेंस का मतलब होता है हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए डिटेक्शन, प्रोटेक्शन और डीकंटामिनेशन के लिए। सो हमने जो डीआरडीओ के अंदर जो 46 तरह के जो प्रोडक्ट्स एनबीसी के रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें से डीआरडी ग्वालियर अकेली ने 26 प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि हमारे सर्विसेज में इंडक्टेड है। अब आप ये देखिए, हमारे पास ये दो डिवाइसेज हैं, इनको हम बोलते हैं केमिकल एजेंट डिटेक्टर। ये पोर्टेबल वर्जन होता है, ये फिक्स वर्जन होता है। ये वर्ल्ड में कुल 4 ही कंट्रीज बना रही है, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है। इसको हमने नेवी में इंडक्ट कर दिया है और आर्मी के यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं सर। इसके बाद में डिटेक्शन का दूसरा तरीका होता है रेजिड्यूअल वेपर डिटेक्शन। अगर हवा में कोई रेजिड्यूअल से केमिकल वारफेयर के, उस केस में ये डिटेक्टर ट्यूब्स हमने बनाई है। हर गैस के लिए स्पेशल डिटेक्टर ट्यूब है। आप अगर अपने पंप, इस पंप पे लगा के अब एयर सक करेंगे तो पर्टिकुलर गैस के लिए एक डिफाइंड कलर आ जाएगा। इसके बेसिस पे टीम को पता लग जाएगा कि ये जो किस तरह का केमिकल इसके अंदर है। ये है वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। अगर वर्स्ट सिनेरियो में हमारे सोल्जर्स को ये देखना है कि पानी पीने लायक है या नहीं, उस केस के लिए ये जो जो किट बनाइए, ये न केवल केमिकल बायोलॉजिकल केमिकल्स को देखती है, इसके अलावा हैवी मेटल्स और माइक्रोबियल्स को भी डिटेक्ट करती है। ये 3 कलर डिटेक्टर पेपर होता है। इस पेपर को अगर आप यूज करते हैं, आपकी जो आपका एनबीसी सूट है उसके ऊपर पहन के जाते हैं, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब इसमें या तो नर्व एजेंट है या ब्लिस्टर एजेंट है। ये आफ्टर द डिटेक्शन प्रोटेक्शन, अब हमको डीकंटामिनेशन करना होता है। इसके लिए ये पर्सनल डीकंटामिनेशन किट है, आप इसको फाड़िए, इसके अंदर पाउडर होता है तो आपके बॉडी पे स्प्रे करिए और उसको वाइप आउट कर लीजिए। ये आफ्टर एक्सपोजर ये मेडिकल किट बनाई हमने, जो कि आपका इसमें ऑटो जेट इंजेक्टर होता है, तो आपके जो केमिकल एजेंट्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली एंटीडोट्स होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है। हम इस पे आते हैं। ये जो एक विशेष तरह की किट बनाई गई है, जो केमिकल वॉर यदि होता है या बैक्टीरियल वॉर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं एनबीसी मार्क 5 सूट है। मार्क 5 मीन्स ये 5वां वर्जन है, जो कि सोल्जर्स के कंफर्ट और मोर प्रोटेक्शन के हिसाब से बना है। इसके अंदर 3 लेयर रहती है। अगर इस पूरे प्रोटेक्शन गियर को पहन के सोल्जर वार में जाता है तो 24 आवर्स तक वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये कैनिस्टर रहता है, फेस मास्क के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। आफ्टर 4 आवर्स आपको इसको रिप्लेस करना पड़ता है। सो हमारे सोल्जर्स पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद में सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे। जबलपुर में एक महत्वपूर्ण संस्थान है TFRI, यानी वो संस्थान जो वनों के लिए लगातार काम कर रहा है और देश में वन लगातार घटते जा रहे हैं। आपका यही प्रयास है कि कैसे वन बचे, कैसे भारत का पर्यावरण बचाया जा सके। सर, लाखों वृक्ष हर साल लगाए जाते हैं लेकिन जो वन क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, तो क्या कारण है कि वन क्षेत्र कम हो रहा है और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि TFRI जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, पूरे देश भर में 9 संस्थान हैं और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह आता है। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से अपने वनों की उत्पादकता को बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, तो हमारे पास भू क्षेत्र तो लिमिटेड है, लेकिन इस लिमिटेड भू क्षेत्र से हम कितनी ज़्यादा उत्पादकता ले सकें, वह एक हमारा महत्वपूर्ण मिशन है। तो इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट द्वारा ट्रीज, जो हमारे वृक्ष हैं, उनकी पैदावार और उनके फॉर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संस्थान द्वारा जो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो सागौन यहाँ का एक महत्वपूर्ण प्रजाति है और पास्ट में बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष हम लोगों ने यहाँ पर चयनित किए हैं जिनकी उत्पादकता और फॉर्म बहुत अच्छा है। अब इसको मास मल्टीप्लाई करने के लिए टिश्यू कल्चर का सहारा लिया गया है और टिश्यू कल्चर की सहायता से हम एक पौधे से लाखों करोड़ों वृक्ष तैयार कर सकते हैं।
ये हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइललेस कल्टीवेशन है, मेडिसिनल प्लांट्स इसमें रेज कर रहे हैं। इसमें अभी ट्रायल के लिए फर्स्ट हमने 4 मेडिसिनल प्लांट्स को इसमें रेज किया है, जो कि सक्सेसफुली हम लोग रेज कर पाए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट इस तरह भी काम कर रहे हैं। TFRI ट्रैको कार्ड है, जिससे कि जहाँ पे टीक पे जिन लीव्स पे अटैक होता है और हेक्टेयर्स के हेक्टेयर्स खराब होते हैं, तो उसको हम TFRI ट्रैको कार्ड के थ्रू हम लोग इसको डेवलप करते हैं। ये टिश्यू कल्चर के प्लांट, टिश्यू कल्चर पौधे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि इसको टिश्यू कल्चर पद्धति से हम मास मल्टीप्लाई करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, तो तकनीक पूरी तरह से TFRI की है और इसका उत्पादन हम करते हैं। ये मान के चलिए आप 9 से 13 महीने तक पौधा लैब के अंदर रहता है, जहाँ पे इसको हवा, पानी, मिट्टी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं। उसके बाद ये पौधा जब इन बॉटलों से बाहर आता है, तो इस जैसे हम बच्चे को IVF बच्चे को इंक्यूबेटर में रखते हैं, वहाँ रहते हैं ये पौधे, और फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी हार्डन होके पौधे इस तरह से आते हैं। तो ये आपके सामने सागवान का पौधा है जो टिश्यू कल्चर पद्धति से उगाया गया है या डेवलप किया गया है। यूनिफॉर्म तो ये इस तरह जो TFRI है, उसने भारतीय वन को एक अनुसंधान लैब में लाके अब आधुनिक बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो क्वालिटी होगी, इसके जो पौधे होंगे वो बिल्कुल एक से होंगे, बिना किसी के जो कीट लग जाते हैं उसके होंगे। और जब इसकी लकड़ी मिलेगी तो जो उगाने वाला है उसके लिए एक सी और अच्छी लकड़ी मिलेगी। एक ये बहुत अच्छा प्रयोग जो है जो जबलपुर की TFRI में किया जा रहा है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी NDTV के लिए।